It's okay. Wow. Many social reformers have tried to end the discrimination. पर बहुत से लोग थे जो हमारे समाज के थे, जो बदलाव करते थे, जो हमारे रीति रिवाज थे उनमें, उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने की बहुत कोशिश की. एंड हैव वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अपड्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और जो हमारे समाज के, जैसे जो पिछड़ा इलाका था, पिछड़ा समाज था, उसको भी दूर करने की कोशिश की है. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड मैनी अदर्स वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स. अरे बहुत से लोग थे, कौन कौन से थे, सबसे ज्यादा तो किसने कोशिश की थी, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती थे, महात्मा गांधी थे, और भी बहुत लोग थे जिन्होंने हमारे समाज में बहुत बदलाव लाने की कोशिश की. इवन की फोटो दिखा रखी है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने खूब लड़ाइयां लड़ी कि हमारे देश में सबको बराबर के अधिकार मिल सके. दिस हैज रिजल्टेड इन लॉज बीइंग फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट. इन सब चीजों से क्या फायदा हुआ, जो नीची जाति के लोग थे उनके लिए भी कानून बन गए, उनको भी आरक्षण मिलने लगा सब चीजों में. इन फैक्ट आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्लोसिस अनटचेबिलिटी. अरे इसके प्रभाव से क्या हुआ, जो हमारा अनुच्छेद 17 है उसमें क्या था, जो छुआछूत का कानून था ना उसको खत्म कर दिया. जैसे बड़े लोग थे उन छोटे लोगों को अपने पास भी नहीं बैठने देते थे, कभी साथ खाना भी नहीं खा सकते थे, तो इन चीजों को खत्म कर दिया गया. एंड इट्स प्रैक्टिस इन मैनी फॉर्म्स इज मेड ऑन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ. और इन सब चीजों से क्या हुआ. निखिल कुछ बोल रहे हो या फिर इसको म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो. इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब चीजों को दंडनीय अपराध माना जाने लगा उसके बाद में. एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी. एनहेंसिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवीयता को बढ़ावा देना. वी हैव रीड दैट कास्ट जेंडर एंड रिलीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. हमने क्या पढ़ा था कि जाति है, लिंग है, धर्म है, समुदाय है, ये सब बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं. किसमें, कि इसे ये देखने के लिए कि सब लोगों के साथ बराबर का व्यवहार हो रहा है या नहीं. पीपल लाइक दलित, वुमेन एंड अदर माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स दैट आर अनट्रीटेड इक्वली. और क्या दिखाते हैं, जैसे कि दलित लोग हैं, औरतें हैं, या फिर दूसरे जो छोटे समुदाय हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार नहीं किया जाता था. व्हेनेवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. जब उनको बराबर का अधिकार नहीं दिए गए थे तो क्या था, इससे उनको आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती थी, उनकी हर समय उनको भी अपमानित महसूस होता था. क्या बोल रहे हो, हेलो, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस. जो हमारे देखो नॉर्थ की साइड के जो स्टेट्स हैं उनके लोगों को किसके बेसिस पे उनके भेदभाव किया जाता था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिखते हैं, उस बेसिस पे उनका मजाक बनाया जाता था. यंग स्टूडेंट्स हु कम टू वेरियस मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर हायर एजुकेशन फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग अकोमोडेशन. वो कह रहा कि जो बहुत से जैसे युवा बच्चे थे जो पढ़ने आते थे बड़े बड़े शहरों में, उनको भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता था. दिस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर क्या हुआ, हमारे संविधान में इस भेदभाव को खत्म कर दिया गया. एज ऑल इंडियंस डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. जिसमें क्या कहा गया कि जितने भी भारतीय हैं सबको बराबर समानता का अधिकार है, उतनी ही इज्जत पाने का अधिकार है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी बाय द गवर्नमेंट. अब देखो इसके
के लिए कानून कब लागू किए गए? सबसे पहले इसमें आता है मिड डे मील स्कीम, जो सरकारी स्कूल है उनमें भोजन दिया जाता है जैसे दोपहर में, तो उसको बोला जाता है मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या है, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या लिया गया था इसमें कि सब लोगों को बराबर अधिकार मिले, जो हमारे जैसे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें मिड डे मील स्कीम ऐड की गई थी, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए, उनको अच्छे से पोषण भी मिल सके, अच्छा खाना मिले उनको। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। और देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने मिड डे मील स्कीम लागू की गई थी? तमिलनाडु था भारत में, और कब की थी? 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स। और उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने सारे राज्यों से इस चीज पे जवाब मांगा कि सब अपने स्कूलों में शुरू करें मिड डे मील प्रोग्राम 6 महीने के अंदर अंदर। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस प्रोग्राम के कारण क्या थे, बहुत से अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे थे, क्योंकि देखो बच्चे अगर छोटे समुदाय के लोग थे वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे जल्दी से, लेकिन जब उनको खाना मिलने लगा तो उनको यूं होता था कि चलो खाना खा के आएंगे, अच्छे से पढ़ भी लेंगे, तो इस बहाने वो स्कूल में चले जाते थे। दीज इंक्लूड द इफेक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। और इसके कारण क्या होने लगा, जो बहुत से गरीब बच्चे थे वो स्कूल जाने लगे और ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस होने लगी उनकी स्कूल में। समझ में आ रहा है आपको? हेलो। यस मैम। ठीक है, चलो देखो। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड गो ऑफन होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। पहले क्या देखने को मिलता था कि बच्चे आधी छुट्टी में घर चले जाते थे और वापस नहीं आते थे, घर पे ही खेलने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया, उनको जब लंच दिया जाने लग गया, तो वो लोग फिर घर नहीं जाते थे, स्कूल में ही रहते थे, और साथ में अपने दूसरे बच्चे भी आते थे ताकि उनको पता चलता था कि खाना मिल रहा है स्कूल में, अच्छे से फिर पढ़ाई भी करते थे। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. और क्या था, उनके घर में जैसे उनकी माँ थी, उनको दोपहर में काम से वापस आना पड़ता था कि बच्चे आएंगे उनको खाना भी देना है, अब उनको इस चीज की टेंशन नहीं रहती क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। The program also helps to reduce caste distinction. इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में जाति का भेदभाव भी खत्म हो गया। As children of both upper class and lower class have the meal together, क्योंकि जो ऊपरी ऊपर वाली जाति थी उसके लोग थे और जो निचली जाति के लोग थे सब लोग मिलकर खाना खाते थे। It has also brought about a distinct social change. और इससे क्या हुआ, हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। Women, particularly Dalit women and people from economically disadvantaged sections have been employed as cooks and assistants. और इन चीजों में बदलाव आने के बाद क्या हो गया, बहुत सी औरतें थी जो दलित समुदाय से थी या फिर जो गरीब लोग थे उनको भी काम मिलने लगा, क्योंकि वहां पे कुक वगैरह थे, भोजन खाना बनाने वाले और उनके असिस्टेंट थे, उन लोगों को भी उसमें काम मिलने लग गया। This in a small way, इस तरह से एक छोटे से रूप में helps in addressing gender and caste inequality. इस वजह से क्या हुआ, लिंग भेदभाव था या फिर जातियों का भेदभाव था उसमें कमी आई। Issues of inequality in other democracies, जो दूसरे देश हैं उसमें क्या क्या है, क्या किन किन चीजों में समानता है। You are probably wondering whether India is the only democratic country. फिर हम सोचते हैं कि क्या भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ पे सब लोगों को समान अधिकार है, and where the struggle for equality continues to exist. और बहुत सी चीजों में क्या था, लोगों को अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ता था,
The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. वो कह रहे कि हर एक देश में बहुत से देश ऐसे हैं कि जिनमें समानता के अधिकार नहीं है, उसके लिए लोगों को अभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है. तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में क्या देखने को मिलता है? द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर सब्जेक्टेड टू ग्रॉस इनइक्वालिटीज. जैसे श्वेत और अश्वेत लोगों का अभी भी अमेरिका में काफी उन सब चीजों पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है. तो ये चीजें बहुत शुरू से ही थी. अश्वेत नागरिक थे और श्वेत नागरिक थे, उन लोगों में भेदभाव किया जाता था. आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल एंड एगेशिएशन अगेंस्ट अनइक्वल लॉज, बहुत बड़े संघर्ष के बाद कि जो असमानता के कानून है एंड प्रैक्टिसेस लीड बाय लीडर्स, और बहुत से लोग थे जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया. कौन कौन थे? जैसे रोजा पार्क्स है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इन सब लोगों ने संघर्ष किया इन चीजों के लिए कि सबको बराबर के अधिकार मिले. द सिविल राइट्स एक्ट वॉज पास इन 1964. सब लोगों के लिए समानता का अधिकार कब पास किया गया? 1964 में पास किया गया. जो आम लोग थे उनके अधिकारों के लिए कब पास किया गया? 1964 में. बाय विच डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनलिटी वाज प्रोहिबिटेड. और उसके बाद क्या था? जो भेदभाव होता था किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या देश के आधार पर, उन सब चीजों को खत्म कर दिया गया. मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबल पीस प्राइज. जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनको शांति का, नोबल शांति का पुरस्कार मिला. किसके लिए? फॉर लीडिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट. जो नागरिक अधिकार के कानून थे उनके लिए इसको शांति का पुरस्कार मिला. एंड प्रैक्टिसेस, अब देखो उसके बाद क्या है. रोजा पार्क्स कौन थी? अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. एक ऑन 1 दिसंबर 1955 बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग एंड एक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ऑफ वाइट स्किन. क्या क्या थे इन्होंने? अश्वेत लोगों के, मतलब जो श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव था उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था. ऑन द फेथफुल डे शी वॉज रिटर्निंग आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायरिंग डे. और बहुत क्या हुआ कि एक दिन वो बहुत थकी हारी वापस आ रही थी. शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू ए व्हाइट मैन. उन्होंने अपनी, जैसे वो अश्वेत नागरिक थी, मतलब वो जैसे रंग में भेदभाव करते थे. अमेरिका के लोग उनका रंग बहुत गोरा होता है, सफेद होता है, और वो अश्वेत नागरिक थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. तो एक दिन क्या किया उन्होंने, अपनी सीट देने से मना कर दिया. जैसे पहले वो लोग बस में जाते थे तो जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन लोगों को अपनी सीट भी छोड़नी पड़ जाती थी अगर कोई वहां पे श्वेत नागरिक खड़ा है तो. उनके अधिकारों का हनन किया जाता था. लेकिन एक दिन उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया. हर रिफ्यूजल स्टार्टेड ए ह्यूज एगिटेशन. और उसके मना करने से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ अगेंस्ट द फेयर स्किन्ड, जो श्वेत नागरिक थे उनके खिलाफ. This came to be known as civil rights movement. इसको क्या कहा गया? नागरिक अधिकार कानून कहा गया. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the ground of race, religion, color and creed. और उसके बाद क्या हुआ, जब 1964 में ये कानून पारित किया गया उसके बाद लोगों को इस भेदभाव से मुक्ति मिली. समझ में आया है यहाँ तक आपको? Yes, ma'am. हाँ, कहीं कोई दिक्कत आए, नहीं समझ में आए वहीं पे बोल दिया करो कि मैम यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आई. देखो इसके बाद है चैलेंजेज फॉर डेमोक्रेसी. लोकतंत्र है उसके लिए, उसके सामने क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या चीजों पे उसको सुधार करना चाहिए. नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. जो कह रहे कोई भी देश है ना पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. वो कह रहे कि हमारे देश में जो है ना हमेशा समुदाय है या फिर लोग हैं उनको लोकतांत्रिक
आइडिया के मतलब इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसमें बढ़ावा करना चाहते हैं ताकि सब लोगों को हर एक चीज में बराबरी मिल सके, कोई किसी चीज में भेदभाव ना हो. सेंट्रल टू दिस द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्संस एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड. और इसके बाद क्या हो गया, ये संघर्ष शुरू किया गया जिसमें सब लोगों को बराबरी का अधिकार के लिए लड़ाई की जाने लगी और सब लोगों को उनकी डिग्निटी मानवीयता है वो भी ताकि अच्छे से बनी रहे. In the next few chapters of this book, we will try to look at how the issues of equality affect our everyday life. आगे के जो chapter हैं उनमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो समानता का अधिकार है वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है. And what can be undertaken to uphold the human dignity? और इसको सुधारने के लिए क्या 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 बदलाव किए जाने चाहिए. देखो chapter आपका पूरा हो गया है, इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकता है. अब इसका एक्शन रिप्ले और एक्सरसाइज बची है. एक्शन रिप्ले में देखो क्या क्या दे रखा है, हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947. भारत को आजादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी अंग्रेजों से, और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना. मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसने पॉलिटिकल पावर होती जितनी क्या जिसमें जितनी भी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, सारी मिलिट्री के पास होती हैं. जस्टिस एंड इक्वालिटी आर टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. वो कह रहा है कि न्याय और समानता ये क्या है, लोकतंत्र के लिए दो मजबूत स्तंभ हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल. हमारे भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि सब भारतीय बराबर हैं. इन इंडिया एवरी सिटीजन अबोव द एज ऑफ 18, भारत में 18 साल से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज पास द लॉज दैट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल. अगर हमारे जो संविधान है उसमें इन सब चीजों के लिए मनाही की गई है कि किसी भी लोगों में भेदभाव किया जा सके, उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. जो हमें सबसे ज्यादा असमानता देखने को मिलती है हमारे देश में वो किस में मिलती है, कास्ट सिस्टम में. जैसे कि गांव में या फिर शहरों में देख लो, जाति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हैव ट्राइड टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी. कर बहुत से जो समाज सुधारक हैं उन्होंने बहुत काम किए हैं ताकि हमारे देश से जो असमानता है, भेदभाव है, इन चीजों को खत्म किया जा सके. And worked for the upliftment of the deprived section of society. और जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं उनको भी बराबर के अधिकार मिल सके. In the United States of America, अमेरिका में क्या है, the African Americans अश्वेत और श्वेत नागरिकों में भी असमानताएं पाई जाती हैं. इसके बाद क्या गया, सिविल राइट एक्ट 1964 में पास किया गया जिसके आधार पर कहा गया कि किसी भी लोगों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. देखो चैप्टर ये पूरा हो गया है आपका, इसके बाद बस इसके एक्सरसाइज वगैरह बची हैं. अब अपने को अनम्यूट कर लो खुद को, सारे बच्चे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इसकी. सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर्स. इंडिया हैज ए ब्लैंक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. भारत में कैसी सरकार है बताओ. ऑप्शन है मोनार्की, डेमोक्रेटिक सी. द गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड जो लोकतंत्र है उसका काम क्या है.
who received the Nobel Peace Prize award for leading the civil rights movement? किसको अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. जे आर बी आर अम्बेडकर को नहीं, ये पूछ रहा है नोबेल प्राइज सिविल राइट मूवमेंट ये कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था, किंग जेर. हाँ वहाँ पे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर. अब इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स हैं. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लैंक वर्ड डेमोक्रेटिया. कौन से देश का वर्ड है? ग्रीक. ग्रीक वर्ड. अच्छा बस. ब्लैंक सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. किसने कही थी ये बात? अब्राहम. सबसे पहले शुरू में ही है, चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे वहां पे बता गया किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द. सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम, जो जातिगत भेदभाव है वो देखने को मिलता है. सबसे पहले मिड डे मील स्कीम कौन से स्टेट में लागू की गई थी? तमिलनाडु. तमिलनाडु. और कब की गई थी बताओ? शवा सभी पढ़ाया था, सचो बताओ. हेलो. कब की गई थी? 2001 में. कब की गई थी? 2001. हाँ 2001 में लागू थी. हाँ तमिलनाडु में की थी 2001 में. द डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. डिजर्व द सेम ब्लेस एंड डिग्निटी. क्या आएगा इसमें? रेस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. हाँ रिस्पेक्ट. सब लोगों को बराबर इज्जत और समानता का अधिकार है. अब देखो ट्रू फॉल्स करते हैं. इन डेमोक्रेसी द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ट्रू. इसका क्या मतलब है? कि सब लोगों को अधिकार है कि वो किसकी सरकार बनाएंगे. अगर उनको कमियां नजर आती हैं तो बता सकते हैं वो. इन डेमोक्रेसी पीपल गेट लिबर्टी ऑफ थॉट स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ट्रू. इसका मतलब है कि सब लोगों को सोचने का अधिकार है, उनका जो बोलना चाहे, अपने चीजों को एक्सप्रेस करना चाहे विचारों को, तो सबको अधिकार है इसका. इन इंडिया एवरी सिटीजन अबोव द एज ऑफ 15 इज गिवन टू द राइट ऑफ वोट. फॉल्स. तो कितने एज पे दिया जाता है वोट? 18. हाँ शाबाश. 18 साल की उम्र पे वोट दिया जाता है ना. जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको वोट देने का अधिकार है. उत्तर फर्स्ट स्टेट. तो पहले ही बोल रहे हो हैं देख के मैम. इसकी जगह तमिलनाडु आएगा. हाँ तमिलनाडु आएगा. शाबाश. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम. सबसे पहले हुई थी तमिलनाडु में. ए हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ए सिंगल रूलर इज कॉल्ड मोनार्की. ट्रू. 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 शाबाश. ऑल सिटीजंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. ट्रू. नहीं ट्रू आएगा. हमारे देश के संविधान में क्या कहा गया? कानून सबके लिए बराबर है ना. चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति हो या फिर छोटा नागरिक हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए उतना ही बराबर है. अगर कोई गलती करता है उसको सजा भी मिलती है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे हो या फिर छोटी पोस्ट पे हो. तो सबके लिए बराबर है ये हमारे देश में. तो आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया है. समझ में आ गया सबको? यस मैम. किसी को कोई दिक्कत आई हो कहीं पे? नो मैम. नहीं ठीक है. तो आपका टाइम तो अभी से रह रहा है. चलो इसमें चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे. ठीक है. ठीक है. हमारे देश में इक्वालिटी कहाँ देखने को मिलती है? हमें किस चीज में देखने को मिलती है समानता का अधिकार? मैम कास्ट सिस्टम.
नहीं, कास्ट सिस्टम में तो इक्वालिटी नहीं है, उसमें तो इनइक्वालिटी है मैम। इनके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये भी ठीक है। और सोच के बताओ, सबको वोट देने का अधिकार है ना, इस चीज में समानता है सबको। कोई भी नागरिक कोई भी है, हमें वोट देने से वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो कोई अपराधी हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बहुत छोटा आदमी हो, सबको वोट देने का उतना ही अधिकार है। वो अधिकार उससे कोई भी नहीं छीन सकता। और जो वोट देने का अधिकार है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, कौन कौन थे जिन्होंने हमारे देश में बदलाव किए, नाम बताओ उनके, दो तीन के। हेलो, महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। किसने, कौन बता रहा है, अपना नाम बताओ। मैम गौरव। गौरव, शाबाश गौरव। और बताओ, महात्मा गांधी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बताओ, राजा राम मोहन राय थे, है ना। yes, स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे। इन लोगों सब लोगों ने क्या किया था, समानता का अधिकार दिया था। जो हमारा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत के कानून को खत्म कर दिया था, किस आर्टिकल में दिया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत का जो भेदभाव है, उसको खत्म कर दिया जाए, कौन से आर्टिकल में बताया गया है ये आर्टिकल 17, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, आर्टिकल 17 में था कि जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का कानून है, उसको खत्म कर दिया गया। और जो अमेरिका में जो एक लेडी थी जिन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था, उनका नाम क्या था, रोजा पार्क्स। हाँ, रोजा पार्क्स। और जो आदमी था जिसको नोबल पुरस्कार मिला था, मार्टिन लूथर किंग जेआर। मार्टिन लूथर, लूथर है वो, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अच्छे से इसको पढ़ना, इसकी एक्सरसाइज भेज दी जाएगी आज आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ चलो, ठीक है तो, ओके।